नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बातचीत करें तो केजरीवाल ने हरियाणा कुरुक्षेत्र में कहा है अपने एक रोड शो के दौरान कि अगर आप कमल के बटन को दबाएंगे तो मैं जेल जाऊंगा। एक भी कमल के बटन को दबा दिया तो मैं जेल जाऊंगा, और झाड़ू के बटन को दबाएंगे तो मैं यहीं रहूंगा, आपके लिए विकास करूंगा और वापस से हम ही सत्ता में आने वाले हैं। यानी कि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का भविष्य केजरीवाल को सुनहरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कमल के बटन पर दबाएंगे तो मैं जेल जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू के बटन को दबाया तो हम जो हैं वापस यहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करते नजर आएंगे, और यहां पर ये मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। बातचीत करें, केजरीवाल जमानत पर है, कह रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद मिला है भगवान से, चमत्कार मिला है, मुझे प्रचार के लिए 20 दिन की मुहब्बत मिली है, ये ऊपर वाले का चमत्कार है कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। प्रधानमंत्री की 200 सीटें भी नहीं आने वाली है, मोदी सरकार नहीं आ रही है, मोदी सरकार नहीं आएगी, ऐसे बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल हरियाणा के अपने रोड शो में। पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं, हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे, मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है, और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही, और इतिहास बताता है देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। जिस दिन गिनती शुरू होगी, अभी मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहता जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन, 5-6 नहीं 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को, 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को, दोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आजकल ये मोदी की गारंटी चल रही है, फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के, उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली? उन्होंने गारंटी दी थी MSP दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने? उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है, भारतीय झूठी पार्टी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं ये केजरीवाल की गारंटी है, इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा, दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है, आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में
ये जो मैं कह रहा हूँ ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, एयर कंडीशन फैक्स और मोटे मैक्स और फोर्टिस से भी अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, दवाइयां ऑपरेशन कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा, इंश्योरेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है छुड़ा के लाएंगे हम लोग। पांचवी बात, ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ, और केवल बच्चों के साथ नहीं, ये हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। छठी चीज, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगे दोस्तों। सातवीं चीज, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूं, वो बड़े दुखी हैं, ओपीएस लागू करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आठवीं बात, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, इनकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों की, सारे भ्रष्टाचारियों को धो धोके और फिर ईडी के केस भी खत्म, बीजेपी इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है, इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पर लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। नौवीं बात, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने अभी 2 साल हुए हैं 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया, तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी बात, मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, ये जीएसटी बड़ी गंदी चीज है कि नहीं है, इसको ठीक करेंगे, जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। और मेरे आढ़ती भाई जितने हैं, आढ़ती भाइयों का मेरे को अभी गुप्ता जी बता रहे थे कमीशन कम कर दिया 2.5% करता था वो, है ना, तो आढ़ती भाइयों के लिए भी जो जो उनकी वो चल रही है उनके लिए सारा सरलीकरण करेंगे, उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे, व्यापारियों के लिए उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करेंगे सारा। अब आपका समाधान चाहिए, आपका साथ मान साहब की ससुराल है, यहाँ से निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं सुशील गुप्ता जी के लिए तो वोट मांगने आया हूँ, झाड़ू पे तो वोट दोगे, पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप लोगों को। भारत माता की, सर जी नमस्कार, सर जी नमस्कार, अरविंद सर नमस्कार।
कह रहे हैं जो भी क्रांति हुई है वो हरियाणा की धरती से हुई है, हरियाणा की जमीन से हुई है, तो यहीं से क्रांति होगी। देखिए बोलने का अंदाज ये है कि यहां से क्रांति होगी। और बता रहे आपको हरियाणा में बीजेपी सरकार है, तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है हम यहीं से क्रांति करेंगे, हरियाणा वाले भी कमल का बटन ना दबाएं और यहां से धीरे धीरे करके हम क्रांति को अपने फैलाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। कह रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन रहे, पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अलग बात है कि सारे नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं। बात करें प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं 400 सीटें आने वाली है, जनता का मन है। और अमित शाह ने बंगाल की रैली में कहा कि हमने जो है अब तक है 270 सीटें जीत ली है। ये बात कही है अमित शाह ने कि हमने अभी तक जो है वो 200 से पार, 250 से पार हमने सीटें कर ली है और हमें बहुमत मिल चुका है। आपको बता दूं हरियाणा में रोड शो के दौरान केजरीवाल ने कहा है कि अगर आप कमल के बटन को नहीं दबाएंगे तो आपको हम स्कूल देंगे, ऐसे सरकारी स्कूल बना देंगे जिसके वजह से आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके सरकारी स्कूल में दाखिला करा देंगे। प्रधानमंत्री ने सब चीज़ों की बात की, स्मार्ट सिटीज की बात की, जो दावे किया वो सब झूठ बोला, झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। बता रहे आपको अरविंद केजरीवाल की अभी तक पूरी सुनवाई हुई भी नहीं है, केवल बेल मिली है, अंतरिम बेल, एंट्रीम बेल मिली है उन्हें, जमानत मिली है, ना कि उन्हें बरी किया गया है। और उनके लिए ये निर्देशानुसार यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक चिट्ठी आई थी कि आपको इस बयान में कुछ नहीं बोलना है बाहर जाकर, केवल आप अपने चुनावी प्रचार करिए। और देखिए एक स्टेटमेंट भी आ चुका केजरीवाल का कि मोदी जी सब विपक्षियों को जेल में डाल देंगे। आपको बता दें इधर आते हैं फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया है। बता दें आपको प्रधानमंत्री ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर मुसलमानों पर ये बातें कही थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करना, और इसी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है मैं आपसे कहूँ ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त इनकी आंखों में खड़कता रहा है पहले से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ लोगों की इज्जत के लिए खड़ा था, इनके विकार के लिए खड़ा था। मेरे बाप ने कितने साल जेलों में काटे क्योंकि ये हमें दबाना चाहते थे, उसने मंजूर नहीं किया। आज भी वो स्थिति है, यह हमें दबा के रखना चाहते हैं, फैला रखी है फौज स्पाई सारे कुछ हमें डराने के लिए। जो डर गया वो मर गया। बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है कि जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं संभाला, बच्चे हुए नहीं तो बच्चों की मोहब्बत को वो क्या जाने, अल्लाह जो है हमें बहुत नसीब से बच्चे देते हैं। आपको बता दें इसी बात पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो डिवाइड की बात कर रहे हैं, हमें साथ लड़ना होगा, वो डिवाइड करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी देश को डिवाइड करना चाहते हैं, हमें साथ रहकर आगे बढ़ना होगा। कह रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स को और फाइलों को क्यों खत्म किया जा रहा है, क्यों नष्ट किया जा रहा है, उसमें बीजेपी के नेताओं की काली सच्चाई है और यही वजह है कि उनके केसेस खत्म हो जाए, इस वजह से इनकम टैक्स में फाइलें को जलाया जा रहा है, हमें एक साथ आना चाहिए। आप क्या सुन नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और प्रभु श्री राम को उन्होंने आज राजनीति बना ली है। क्या प्रभु श्री राम केवल वो बता रहे हिंदुओं के हैं? प्रभु श्री राम बिलोंग्स टू अस, टू ऑल, कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं, प्रमुख हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी अभी राजनीति में सक्रिय हैं। बातचीत करें तो जम्मू कश्मीर में हुए मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि हमें रोका जा रहा था, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। बता दें आपको पीओके को लेकर घमासान मचा हुआ दर्शकों, पीओके के लोग सेना को भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, हमें भारत में विलय होना है। बातचीत करें पीओके को लेकर प्रधानमंत्री आश्वस्त दिख रहे हैं, अमित शाह दिख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत जल्द पीओके हमारा होगा। पीओके की लड़कियों की बात करें, नेताओं की बात करें, पीओके की लड़कियों की भी आपने वीडियो देखी होगी किस तरीके से वहां की महिलाएं कह रही हैं, लड़कियां कह रही हैं कि हमें भारत में विलय होना है, हमें सुरक्षित महसूस होता है, हम अगर उस साइड चले गए यानी कि पाकिस्तान के तरफ चले गए तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। आप वीडियोज उठाइए। इसी से मचे घमासान के बीच कश्मीर का अलग मुद्दा है और कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कही है और कहा कि इस बार जो है वो गठबंधन की सरकार आएगी और हमारी सीटें भी अच्छी आने वाली है और हम पूरी अपनी ताकत से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। बता दें आपको उन्होंने कहा अभी जो संसदीय क्षेत्र बनाए हैं वो काफी बड़े हैं और उनकी भौगोलिक स्थितियां काफी कठिन हैं। उन्होंने बोला पूरे देश में 2026 तक जब पूरे देश में परिसीमन होगा तो हम यहां सभी परिसीमन कराएंगे और उस समय भाजपा नहीं होगी, उस वक्त
भाजपा देश में नहीं होगी, यानी कि भाजपा अब नहीं आने वाली है, ये भी कहा फारूक अब्दुल्ला ने कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहा कि यहाँ पर तर्कसंगत न्याय प्रधानमंत्री कश्मीर के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। बता दें आपको, कश्मीर की बातचीत करें तो वहां पर कश्मीर की स्थिति पहले से काफी सुधार देखने को मिल रही है। वहां के लोग खुद कहते हैं कि अभी कश्मीर बदल गया है और कश्मीर के बदलने पर वहां सुरक्षा महसूस होती है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। अब कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, पाकिस्तान नहीं दे सकता। और इसी चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा आया, जब पाकिस्तान के नेताओं ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा राहुल गांधी ऑन फायर, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या संबंध है राहुल गांधी का पाकिस्तान से। इन सब मुद्दों के बीच अभी राजनीति अपने चरम सीमा पर है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव जब तक खत्म नहीं होते, नेताओं के बयान ऐसे ही बढ़े तापमान में आपको सुनाई देंगे। और तापमान में अभी जो बढ़ा हुआ तापमान दिख रहा है वो 4 जून के बाद आपको अवश्य कम नजर आएगा। यहाँ पर बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव के सरगर्मियों के तेज 4 चरण बीत चुके हैं, केवल 3 चरण बचे हुए हैं। और 3 चरण में इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ममता बनर्जी आ जाए, एक बात फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री की 230 सीटें भी नहीं आने वाली है। और यहां पर बहुमत तो खैर छोड़िए, क्या ये आंकड़ा पार करेंगे 272 का, और ये आंकड़े इस बार पार नहीं होने वाले हैं। और इधर बीजेपी कह रही है कि विपक्षी गठबंधन लगातार झूठ बोल रहा है, इस बार तीसरी बार बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी जनता किस बटन को दबाती है। फिलहाल इन दोनों नेताओं के बयान पर आपकी जो भी राय हो, जरूर हमें कॉमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका।